ध्यान के समय हमारी बैठक कैसे होनी चाहिए, हमारा आसन कुशन कैसा होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, शांत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात है इंस्पिरेशन, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्मुख होना चाहिए, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा वेदना कैसा है, हमारा विचार कैसा है, हमारा सेंसेशन क्या है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो जो है वो सत्य स्वीकारना चाहिए, जैसा है वैसा एज इट इज स्वीकारना चाहिए। और उसके बाद क्या है, पी फॉर क्वेश्चन, आई फॉर इंट्रोस्पेक्शन और पी फॉर पर्पज। हमारा मैत्री विकास भावना करना का करने का जो पर्पज है वो कैसा है, क्या हमारा हमारा हेतु क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हाँ अचीवमेंट क्या करने का करने का है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसके बाद ये सब देखने के बाद हम तो हमारा शरीर की स्थिति कैसी है ये भी देखना चाहिए, हम कैसे बैठे हैं ये भी देखना चाहिए, हमारा हमारे मन में वेदना कैसे है, सुखद वेदना, दुखद वेदना, न्यूट्रल सेंसेशन, वो भी देखना चाहिए। भावनाओं के बारे में हमें जांच करनी चाहिए और हमारे विचारों की भी जांच करनी चाहिए, हमारा मन का और शरीर की स्थिति कैसी है वर्तमान में, यानी प्रेजेंट माइंड भी हम कैसे है ये भी हमें सोचना चाहिए। और मैत्री विकास भावना जो हम करने जा रहे हैं, तो पहली एक बात है खुद के बारे में हमें अच्छा सोचना चाहिए, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं 100% बौद्ध हूँ, 100% बौद्ध हूँ, मैं अच्छा बौद्ध हूँ, बाबा साहब को जो बौद्ध व्यक्ति चाहिए वैसा मैं बौद्ध हूँ, ऐसा सोचना चाहिए, मैं दुख मुक्त हूँ, मेरा कल्याण हो रहा है, I am becoming happy, I am becoming pleasure, आई एम बिकमिंग गुड बुद्धिस्ट पर्सन, 100% गुड बुद्धिस्ट पर्सन, ऐसा खुद के बारे में सोचना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि मेरा कल्याण हो रहा है, मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, मैं धर्मचारी की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरा शरण गमन परिणामकारक हो रहा है, मेरी कमिटमेंट अच्छी हो रहा है, ऐसा अच्छा सोचना चाहिए, मेरी तबीयत अच्छी है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ऐसा सोचना है। पॉजिटिव थिंकिंग, थिंक पॉजिटिव चेंज योर लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। बहुत अच्छा पूजा स्थान है, बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की मूर्ति स्टैचू अच्छा है, बाबा साहब की प्रतिमा अच्छा है, ये मेरे आदर्श है, ये मेरा पूजा स्थान बहुत आदर्श है, ऐसा भी हमें सोचना चाहिए। हाँ, और इसके बाद हम अपने हमारे मित्र के बारे में सोचना चाहिए, आपके दोस्त का, जैसे हम पहले स्टेप में खुद का चेहरा देखते हैं, प्रसन्न चेहरा, मेरा ड्रेस अच्छा है, खुद का नाम मन में ले लो, मेरा नाम बहुत अच्छा है, मेरा अच्छा नाम है। और इसके बाद आपके जीवन में जो आनंदित क्षण है, जो जो क्षण आनंद है, वो आपके जीवन में जो अच्छाई हुए वो सब अच्छाई का, सब क्षण का हमें याद करना चाहिए। तो मैं 10वीं पास होगा, 12वीं पास होगा, ग्रेजुएट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, और मेरा प्रमोशन होगा, मेरे जॉब लग गया, मेरा शादी हो गई, उस खुद को बारे में अच्छा क्षण का याद करना चाहिए, हमें हैप्पी क्षण का, हैप्पी मोमेंट का याद करनी चाहिए। उसके बाद आपके दोस्त के बारे में सोचना चाहिए, आपका दोस्त का प्रतिमा देखो मन पटल पर, मन चक्षु में क्या देखने का, जैसा खुद का चेहरा हम देखते हैं, जैसे आईने में देखते हैं, वैसा ही आप हमारे दोस्त का चेहरा देखना चाहिए। तो लेडीज ने लेडीज का चेहरा देखने का है, और पुरुष ने और लड़के ने लड़के और पुरुष का चेहरा देखने का है, और क्या करने का है, वो हंस रहे हैं, वो बहुत प्रसन्न है, वो बहुत हैप्पी है, ऐसा देखो उनको, और उनका नाम ले लो मन में, समझो मेरा मेरे दोस्त यशो सागर है, मेरे दोस्त शाक्य मित्र है, मेरे कल्याण मित्र शाक्य मित्र है, जितेंद्र है, वो आपको जो हेल्प करता है, जो आपका दोस्त अच्छा दोस्त है, स्पिरिचुअल फ्रेंड है, उनका हमें याद करने का है, और मेरे दोस्त आपके दोस्त के बारे में बोलने का है कि मैं जैसा सुखी हूँ जैसा मेरा दोस्त भी सुखी है, मेरा दोस्त का संसार भी सुखी है, पारिवारिक जीवन भी सुखी है। हाँ, उसके बाद मेरा दोस्त बहुत आनंदी है, मेरा दोस्त बहुत दुख मुक्त है, मेरा दोस्त बहुत प्रसन्न है, उनका आयु बढ़ रहा है, उनका स्टडी अच्छा हो रहा है,
और वो धम्म क्रांति के रोड पर बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसा दोस्त के बारे में सोचने का है। इसके बाद दोस्त के बाद जो त्रेष्ठ व्यक्ति है उनके बारे में सोचना चाहिए। त्रेष्ठ व्यक्ति थर्ड पर्सन, वो दूध वाला, चाय वाला, पेपर वाला, थैले वाला, और वो दुकानदार होता है, शॉप वाला आदमी होता है, कंडक्टर होता है, कोई एक ऐसा आदमी होता है कि जो हमारे दोस्त भी नहीं होता और दुश्मन भी नहीं, दुश्मन भी नहीं होता, उसके बारे में सोचने का है। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनका परिवार सुखी है, उनका बाल बच्चे सुखी है, उनका फैमिली सुखी है, आनंदित है, ऐसा सोचना चाहिए। और इसके बाद जो जो व्यक्ति है कि उसके बाद उसके साथ हमारा जमता नहीं, झगड़ा होता है, अबोला होता है, कभी कभी हम बोलते नहीं, कभी कभी हमारे दोस्त के साथ हम क्या करते हैं कि गुस्से में जाते हैं, उनको भी लाने का है सामने। उनका चेहरा बहुत प्रसन्न है, उनके जीवन में बहुत शांति है, बहुत आनंदित है, वो बहुत अच्छा स्टडी कर रहा है, वो बहुत अच्छे धम्म प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छा सोचने का हाँ, और वो उनका भी बहुत अच्छा हो रहा है, उनका परिवार का भी, परिवार के बारे में भी सोचने का, वो परिवार सुखी हो रहा है, वो आनंदित है, उनका कल्याण हो रहा है, ऐसा सोचना है। और इसके बाद जो पांचवी पायरी है, तो पांचवी पायरी में पांचवी जो स्टेप है, स्टेज है, उसमें क्या है, तो हमारे माता पिताजी जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, बड़ा किया है, एजुकेशन दिया है, शादी करके दिए है, सब प्रॉपर्टी हमारे पास दे के दिया है, वो हमारे माता जी पिताजी के बारे में सोचना चाहिए। हमारे माँ के रिश्तेदार वो भी बहुत खुशी में है, आनंदित है, पिताजी के रिश्तेदार वो भी बहुत खुश है आनंदित है। इसके बाद हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, हमारी बड़ी बहन, छोटी बहन, तो सबके बारे में हमें संवेदनशीलता के मन से, मैत्री भाव से उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। इसके बाद उसके बाद हमारे घर में हमारे बीवी के बारे में सोचना चाहिए, वो हमारे बीवी के साथ गुस्सा आता है, झगड़ा होता है, वो बीवी का नाम लेने का, मेरी बीवी अच्छे है, मेरे मिसेस अच्छे है, मेरे मिसेस की तरह से मेरा परिवार है हाँ, और मेरे मिस्टर भी अच्छे है, मिस्टर का भी नाम लेने का, मिसेस का भी नाम लेने का, और उनके ऊपर वो सुखी है, आनंदित है, दुख मुक्त है, वह उनके मन में बोधिचित्त निर्माण हो रहा है, बोधिसत्व माइंड बन रहा है उनका, अच्छा सोचने का। इसके बाद हमारे बच्चे, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, बड़ी बच्ची, पुत्र पुत्री, वो अच्छे है, वो अच्छे एजुकेशन कर रहे हैं, वो पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, उनके ऊपर बुद्ध धर्म का संस्कार आ रहे, और वो बाबा साहब के संस्कार से उनका पालन पोषण हो रहा है, बढ़ रहे, ऐसा सोचना चाहिए। उसके बाद हम हमारे ससुराल के लोग, हमारे घर के लोग, और इसके बाद सब हमारे रिश्तेदार, हमारे आजू बाजू के सब लोगों का कल्याण हो रहा है, सब लोग आनंदित हो रहे हैं, सबका मंगल हो रहा है, सबका सब खुशी में है। इसके बाद हमारे गांव, वार्ड, तहसील, और उसके बाद स्टेट और महाराष्ट्र, MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, इंडिया, सब इंडिया के लोग, सब प्रबुद्ध भारत के नागरिक यानी लोग खुशी में है, आनंदित जी रहे हैं, सुखी है, ऐसा सोचने का, ऐसा इन्हें भाव निर्माण करने का हमारे मन में, हमारे दिल में। और इसके बाद आशिया खंड, यूरोप खंड, अमेरिका खंड, और दुनिया के सब प्राणी मात्र और मनुष्य मात्र, सब लोग सुखी हो रहे हैं, खुशी में है, आनंदित है, ऐसा सोचने का। और इसके बाद सब लोग, सब प्राणी मात्र खुशी में है, कीड़ा मुंगी जीव जंतु पशु पक्षी सब खुशी में है, ऐसा सोचने का। तो मेत्ता भावना करने का फायदा है, क्या फायदे है, आप 11 फायदे आपके सामने मैं रखता हूँ, इसके बाद हम प्रैक्टिस करने वाले। एक, मैत्री विकास भावना, मैत्री भावना, करुणा भावना, फ्रेंडशिप और कंपेशन प्रैक्टिस जो व्यक्ति करता है, वो व्यक्ति को नींद बहुत अच्छी आती, जल्दी नींद आती, अब पहला फायदा होता है। दूसरा है, वो शांति से सोता है और शांति से जागता है,
शांति से सो जाता है और शांति से जागता है। तीसरा फायदा है आगमन पर हास्य, उनके मुस्कान चेहरे पर बहुत हास्य होता है, वो आनंदित दिखता है, प्रसन्न दिखता है, उसे बुरे सपने नहीं दिखाई देती, बुरे सपने गिरती नहीं। और चौथा है सभी मानव प्राणी उसे पर मैत्री करते हैं, सब मानव प्राणी, सब लोग, दुनिया के सब लोग उसके ऊपर करुणा करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और मैत्री करते हैं। और पांचवा जो है, पांचवा जो फायदा है, मानव ही नहीं सभी पशु उसे ऊपर प्यार करते हैं, मैत्री करते हैं, करुणा भाव करते हैं, कंपैशन करते हैं। सावा जो भाव है, सावा जो फायदा है, तो विष का उसके ऊपर असर नहीं होता। किसी ने पॉइजन दिया तो पॉइजन का एक बैड इफेक्ट उनके ऊपर होता नहीं। और अदृश्य देवता उसकी रक्षण करते हैं, जो चतुर महाराज है, बोधिसत्व है, बुद्ध है, बुद्ध की चेतना है, इन्हें कॉन्शियसनेस है, सब सब ये बुद्ध बोधिसत्व चतुर महाराज जी बुद्धिस्ट कॉन्शियसनेस बोधिचित्त क्या करता है, रक्षण करता है, रक्षण करती है। मैं आठवां पॉइंट है मेता भावना से एकाग्रता तुरंत बन जाती है, वो कॉन्सेंट्रेशन यानी इंटीग्रेशन, स्टडी के टाइम, कुछ पढ़ने के टाइम, कुछ लिखने के टाइम, जल्दी इमीडिएट वो कॉन्सेंट्रेट होता है, वो सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होता है, यानी एकाग्र होता है और जागृत होता है। और फायदा है उसके चेहरे के ऊपर हाव भाव ही नहीं बल्कि चेहरा ही बदलता है और प्रसन्न दिखता है, वो हंसता रहता है, सभी लोग उसको उनको नजदीक लेते हैं, जयभीम करते हैं, चाय पूछते हैं, नाश्ता चाय का पूछते हैं, हमारे घर पे आओ ऐसे बात करते हैं, हमारे घर में आओ, हमारे फैमिली में आओ, आपको स्वागत करते हैं, सब लोग आपका आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं और आपको प्रतिष्ठा मिलती है। इसके बाद है उसमें सुंदरता, चेहरे के ऊपर सुंदरता आती है, चमक आती है। और मरते समय हमारा एंड है ना, जो मरते समय वह शांति से मरता है, हमारा एंड अच्छा हो जाना चाहिए है, होना चाहिए है, ऐसा सब व्यक्ति को लगता है, तो शांति से मरण आता है। और सुखावती में जन्म लेता है, ये बहुत अच्छी बात है। सुखावती ने अष्टांग मार्ग में आए, बाबा साहब के ग्रंथ में पढ़ो, बाबा साहब ने जो नाला सोफार महाराष्ट्र में प्रवचन दिया है, जैसा दिए उसमें भी बाबा साहब ने बताया, और भक्ति के अष्टांग मार्ग पुस्तक में बताया कि वो सुखावती में जन्म लेता है। और मेता भावना में चुंबकीय शक्ति होती है, मेता भावना, करुणा भावना, वो मैत्री भाव, करुणा भाव क्या होता है, वो अट्रैक्टिव होता है, चुंबकीय होती है, शक्ति होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी, चुंबकीय एनर्जी होती है। और दूसरों से जाने वाले नागरिक आते हैं, दूसरे तरफ जाने वाले लोग उसके तरफ आते हैं गुड मॉर्निंग करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, जय भीम बोलने के लिए, उसके तरफ लोग आते हैं, लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं। इतने फायदे हैं, अभी हम मेडिटेशन करने वाले हैं, चलो।